गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवानी, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको ढेर सारा धन्यवाद, क्योंकि आपको मेरे हेल्थ टिप्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और आप उन्हें यूज़ करके देखते हैं और काफ़ी सारे लोगों को मेरे बताए हुए नुस्खे यूजफुल लगे हैं और उनकी समस्या दूर हुई है। तो इसी के चलते मैं आप सबके साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग हेल्थ टिप्स, ब्यूटी टिप्स शेयर करती रहूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। लीवर में सूजन कैसे होता है, लीवर में सूजन की समस्या क्या है और उसके उपाय क्या हैं। लीवर में सूजन होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन नॉर्मल बात को हद से ज़्यादा ना बढ़ने दें, ये ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि नॉर्मल ही बात, एक छोटा सा दाना जो आपके हाथ पैर या कहीं हो जाता है और अगर आप उसे नज़रअंदाज करने लगे तो वही एक फोड़े का रूप ले लेता है, और जब वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो बिना ऑपरेशन के वो ठीक नहीं होता है। इसी तरह से होता है लीवर में सूजन भी। अगर आप इसका सही समय पर समाधान कर लें तो यह समस्या बहुत ही नॉर्मल होती है, लेकिन अगर आपने सही समय पर इसका समाधान नहीं किया तो ये लीवर इन्फेक्शन बन जाता है और जो आगे चल के काफ़ी सारी परेशानियाँ शुरू कर देता है। लीवर में सूजन को कहते हैं फैटी लीवर। फैटी लीवर एक ऐसी बीमारी है जो लीवर में वसा जमा करने लग जाती है। ऐसा गलत दिनचर्या या सही खान पान की वजह से होता है, सॉरी, सही खान पान ना करने की वजह से होता है। क्योंकि शरीर में खान भोजन को पचाने से लेकर के पित्त बनाने तक का कार्य लीवर का होता है। सो लीवर का हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी को इन्फेक्शन फ्री रखने का काम करता है। इसीलिए आप ध्यान रखें कि आप टाइम पर खाना खाएं, टाइम पर हर चीज़ें लें, और ऐसी चीज़ें ना खाएं, ऐसी चीज़ें ना पिएं जिनसे आपके लीवर में इन्फेक्शन हो। तो चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि लीवर में सूजन कैसे शुरू होता है। फैटी लीवर लीवर के खराब होने के कारण होने वाली एक नॉर्मल बीमारी है। यह बीमारी लोगों के पाचन शक्ति को प्रभावित करती है। ऐसे में लोगों के पेट का हाजमा खराब होने लगता है, बिगड़ने लगता है। इसके अलावा फैटी लीवर से ग्रसित लोगों के अंग का आकार भी बदलने लगता है। लोग या तो लीवर के सिकुड़ने से परेशान होने लगते हैं या फिर उसमें हो रही सूजन से। अगर कोई इस परेशानी से गुजरता है तो उसे थकान महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी, बॉडी पेन होगा, पेट में, बीच में या फिर दाहिने हिस्से के ओर दर्द ज़्यादा रहेगा, और जो शरीर है वो भारीपन सा महसूस करेगा, बहुत आपको वीकनेस सी फील होगी। तो आपको अगर ऐसा जब भी फील हो तो आप समझ जाएं कि आपके लीवर में सूजन की समस्या शुरू हो रही है और इसका जल्दी ही उपाय करें, इसे बढ़ने ना दें। तो चलिए जानते हैं कि लीवर की सूजन को कैसे कम किया जा सकता है। वैसे तो लीवर की सूजन को कम करने का कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, लेकिन आप कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाकर लीवर की सूजन को, यानी कि फैटी लीवर की प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हैं। और जब तक समस्या छोटी रहे तो आप घरेलू उपचारों को अपनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर घर में चीज़ें ठीक हो जाएं, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, फालतू की मेडिसिंस ना खानी पड़े, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा असर आपकी किडनी पर भी पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि लीवर की सूजन को कम करने के लिए, यानी कि फैटी लीवर को कम करने के लिए कौन कौन से घरेलू नुस्खों को अपना कर इसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको लीवर में सूजन की समस्या ज़्यादा हो गई है या फैटी लीवर की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो आप सेब के सिरके का भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, एप्पल साइडर विनेगर जितना हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए हेल्पफुल है, उससे कहीं ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। यह एक तरीके का डिटॉक्स वाटर होता है, या आप इसे डिटॉक्स ड्रिंक भी कह सकते हैं, जो लीवर से विषाक्त पदार्थ यानी जर्म्स वाले पदार्थों को दूर करने में हेल्पफुल होता है। इससे लीवर पर प्रेशर कम पड़ता है और अच्छा आपको महसूस होगा, राहत मिलेगा ही। लीवर की इस परेशानी को कम करने के लिए डेली आप एक कप गुनगुना पानी में एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालकर उसे अच्छे से मिक्स करके पिएं, बहुत जल्दी ही आपको लीवर के सूजन में कमी दिखने लगेगी, आपका फैटी लीवर कम होने लगेगा और आपको आराम भी महसूस होगा। फैटी लीवर की प्रॉब्लम को और जल्दी ठीक करने के लिए आप एप्पल साइडर विनेगर के साथ साथ प्रोटीन युक्त भोजन का भी सेवन करें।
प्रोटीन युक्त भोजन के लिए माना जाता है कि अगर आप उसका सही से अपने डाइट में यूज करें, उसे सही से लें, तो 20% तक फैटी लीवर की प्रॉब्लम रिमूव हो जाती है, आपको जल्दी ही आराम महसूस होगा। ऐसे में आप अपने डाइट में पनीर, दलिया, मिल्क और लो फैट वाली चीजें ऐड करें, आपको बहुत जल्दी ही हेल्प मिल जाएगी, यानी कि आपको बहुत जल्दी ही अच्छा महसूस होने लगेगा। बहुत ज़्यादा ऑयली फूड बिल्कुल ना खाएं, ऐसी चीज़ें ना खाएं, स्ट्रेट फूड कम खाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्ट्रेट फूड खाने की वजह से सही पे वो पता नहीं किस टाइम पे बना है, कैसा बना है, क्या कैसे किया गया है, आपको ये तो नहीं दिख रहा है, बस आपने अपने स्वाद के चक्कर में उसे खा लिया, जो आपके लीवर में इन्फेक्शन क्रिएट करने लगता है, इन्फेक्शन पैदा करने लगता है। लीवर की सूजन को कम करने के लिए, फैटी लीवर को कम करने के लिए आप नींबू का सेवन करें। नींबू पेट से संबंधित काफी सारी बीमारियों को दूर करने में हेल्पफुल होता है, चाहे वो डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो पेट दर्द की समस्या हो, या फिर आपको अपना वेट लॉस करना हो, उसमें नींबू बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, जो लीवर सेल्स को प्री रेडिकल से लड़ने में सक्षम बनाती हैं। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो खाली पेट एक ग्लास पानी पीने लगे, उसमें आप आधा नींबू का रस डाल लीजिए और उसे अच्छे से मिक्स करके एक चम्मच उसमें शहद ऐड कर लीजिए। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ऐड कर लीजिए। मैं फिर से बता रही हूँ, आपको एक ग्लास पानी लेना है, उसमें आधा टुकड़ा नींबू का रस ऐड करना है और फिर एक चम्मच शहद डालना है, और सुबह आप खाली पेट अगर ये पीते हैं तो आपको काफी हेल्पफुल फील होगा, काफी अच्छा लगेगा। देखिए, ये जो नुस्खे हैं वो एक दिन असर नहीं करने वाले, कम से कम आप एक महीना इसे लगातार करते रहें। डॉक्टर भी कहते हैं कि जब तक आप प्रॉपर तरीके से चीज़ें नहीं लेंगे तो वो चीज़ें आपके बॉडी पे असर नहीं दिखाएंगे। जिम भी जाते हैं तो 5 दिन में आपका वेट लॉस या आपकी बॉडी अच्छे से नहीं कर देते, कम से कम 1 से 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आपको जम के मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरीके से आपको अपनी बीमारियों से लड़ने के लिए भी घरेलू नुस्खों को जम के अपनाना पड़ेगा, यानी कि 1-2 महीना उसे लगातार आप यूज करते रहिए, चुटकियों में आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। एंड साथ ही साथ आप लीवर की समस्या को कम करने के लिए, यानी कि लीवर की सूजन की समस्या को कम करने के लिए ऑलिव ऑयल, नट्स, एवोकाडोस और ग्रीन टी का भी सेवन कर सकते हैं। ये आपके लीवर की सूजन को तो कम करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपके ये स्किन एंड हेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऐसा होता है कि जब आपकी अच्छी डाइट रहेगी, अच्छा खान पीन रहेगा, तो आपके शरीर के साथ आपकी अदर चीज़ों पे भी उसका असर दिखेगा। तो आप मेरे इन बताए नुस्खों को, अगर आपको लीवर की समस्या है तो आप इन्हें अपना कर देखिए, आपकी लीवर की समस्या यानी लीवर के सूजन की समस्या जल्दी ही खत्म हो जाएगी और आपको पहले जैसा बेटर फील होने लगेगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि आपको मेरे बताए नुस्खे कैसे लगते हैं और कितने यूजफुल रहे हैं आपके लिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलूंगी ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।